मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं नीलेश जोशी, मैं आज आपके सामने एक ऐसा गंभीर विषय की जरूरत मिलने जा रहा हूं। सारे के सारे मेरे पुरुष मित्रों को मेरी नम्र विनंती है कि खुले दिल से सोचिए, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी मत करिएगा। हाँ, बराबर सोच के आप इसके ऊपर थोड़ा गौर करिए, गौर करके बाद में आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, जो भी प्रतिक्रिया है मुझे कबूल मंजूर है, लेकिन थोड़ा इसके ऊपर गौर करिए, थोड़ा ऑनेस्ट बनिए, थोड़ा प्रामाणिक बनिए। दो दिन या तीन दिन पहले कंगना रनौत ने एक विचार रखा था, जिधर मैंने किधर पढ़ा है मुझे मालूम नहीं कि वो उसका है या उसके नाम से किसी तरह रखा हुआ है, कि स्त्री को बहुत मायने में बहुत से पुरुष स्त्री को बुलाते हैं, इतना गंदा शब्द लगता है। और वो टाइटल किसने दिया? हम पुरुषों ने तो दिया ना उसको, कैसे हम पुरुषों ने दिया? एक स्त्री अपनी मजबूरी के वंश होके, बहुत कम स्त्री 5% हो सकती है शायद, या ज्यादा हो सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति में कितनी स्त्री जाती है? बहुत कम जाती है। उसके हालात होते हैं ऐसे, उसके लिए ये करना पड़ता है। कभी बचपन में उसको जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती है, गुंडे बदमाश से उसको उठा लिया जाता है, फिर गुंडे बदमाश उसको ये बिजनेस में धकेल देते हैं, पैसे बनाते हैं। वो पॉइंट नंबर वन, स्त्री अपना घर संसार चलाती है, पति समझो मर गया है या छोड़ के चला गया, बच्चे को बड़ा करना है, पढ़ी लिखी नहीं है, काम करने के लिए क्या करेंगे, उसके पास क्या है कमाने के लिए, घर कैसे चलाएगी? तो वो अपना देह बेचती है, देह बेचने के बाद उसको पैसा मिलता है, वो पैसे से वो अपना घर चलाती है, बच्चे को बड़ा करती है, पढ़ाती है, ये करती है, वो करती है, राइट? तो उसमें उसका क्या कसूर है? समाज का कसूर है ना? और समाज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। उधर गुनहगार कौन है? गुनहगार पुरुष है। पुरुष के पास तो अपना परिवार है, अपनी स्त्री है, अपनी स्त्री के साथ नहीं मजा आती, इसलिए बाहर की स्त्री के पास जाता है ना, पैसा देता है ना। तो इधर अय्याश कौन है? पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष अय्याश है। पुरुष अपना शौक पूरा करने के लिए, अपना कामना पूर्ति की पूर्ति करने के लिए उसके पास जाता है, तो इधर स्त्री को क्यों दोष देना चाहिए? दूसरी, स्त्री कौन सी भी हालत होगी, कैसा भी पुरुष होगा, कितनी भी उम्र होगी, छोटा बड़ा, काला गोरा चिकना, गंदा दिखने वाला, मुंह से बात आती होगी, फिर भी स्त्री उसके पास जाएगी। क्यों? स्त्री की मजबूरी है, उसको घर चलाने के लिए, उसको अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए उसको पैसे चाहिए, और पैसे कमाने का उसके पास कोई लेजिटिमेट सोर्स नहीं है। इसके बिचारी के पास एक ही सोर्स है, वो अपना देह बेच के जो पैसे आएगी उससे ये सब काम चलेगी। ऐसी बहुत सी स्त्रियां होती है जो अपने सास ससुर को, पति घर छोड़ के चला गया या मर गया, तो सास ससुर को भी निभाने के लिए ये कर लेती है। तो वो स्त्री को महान बोलना चाहिए या रंडी बोलना चाहिए? मैं तो स्त्री को महान के प्रणाम करूंगा। स्त्री, मैं तो बोला कि सोशल वर्कर हो या ये सामाजिक संस्थाएं हैं, उसको ये विषय पर गहन रिसर्च करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए, कोई ऐसा एक फंड होना चाहिए कि जो स्त्री को हम लोग सपोर्ट कर सके, तो बेचारी देह विक्रय नहीं करेगी। और दूसरा, एक स्त्री का आभार भी बोलना चाहिए पुरुषों को, सबको, हमारी बहन बेटियां सलामत है, क्योंकि ये महिलाएं बिजनेस करती है, जो हवसखोर पुरुष होते हैं उसकी जरूरतें पूरी करती है, इसकी वजह से ये हमारी बहन बेटियां सलामत है, नहीं तो किसी की बहन बेटियां सलामत नहीं रहती है। तो ये स्त्री को तो आदर करना चाहिए, उसको तो वंदन करना चाहिए, उसकी वजह से हमारी बहन बेटियां सलामत है। और ये कोई व्यवसाय आजकल का पूरा नया व्यवसाय थोड़ा, ये तो सालों से सदियों से चला आता है। हम पुरुषों ने अपनी सहूलियत के लिए उसको गंदा बना दिया, उसको गंदा टाइटल दे दिया, और हर स्त्री को बदनाम करने के लिए, हर स्त्री को बुरा बोलने के लिए हम उसके लिए रंडी, वेश्या वगैरह शब्द यूज कर सकते हैं। हमारे पुरातन काल में गणिका शब्द था, नगरवधू थी। ये गणिका क्या थी, नगरवधू क्या थी? हाँ, कभी कभी रोल थोड़ा बहुत इधर उधर डिफर हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली तो वही होता था। कोई अपनी कला बेच के पुरुषों को आकर्षित करती थी, दो पैसा कमाती थी, अपना घर चलाती थी, और कोई अपना देह बेच के करती थी, बराबर है? चाणक्य के टाइम पे तो मगध में तो बकायदा इसको राजा पालते थे, अपने राजकुमार को उधर भेजते थे ट्रेनिंग के लिए, सब संसार की जितनी बाया है। तो ये गणिकाएं जो होती नगरवधू होती है, बहुत प्रवीण होती थी। हाँ, तो उसको तो मैं प्रणाम करता हूं, ऐसी स्त्री का तो आदर करना चाहिए, इसको ऐसे गंदे शब्द नहीं यूज करना चाहिए, करना चाहिए तो पुरुष के लिए यूज करना चाहिए। मैं पुरुष होते हुए ऐसा बोलता हूं तो मेरे पुरुष मित्र शायद मेरे से गुस्से होंगे, लेकिन मेरे से गुस्से होने की बजाय मित्रों समझने की कोशिश करो, ये बात कितना गंभीर विषय है और कितनी गहराई है इसके अंदर। और कभी कभी हम लोग पुरुष लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं,
तो एक स्त्री किसी के साथ फ्रेंडली रहती है और दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं रहती, तो जिसके साथ फ्रेंडली नहीं रहता है वो एग्रेवेट होता है, वो गुस्से आता है, वो उसको बोल देगा। ये सही है? नहीं सही है। उसकी जगह में अपनी बहन बेटी होती तो अपनी बहन बेटी के लिए वो ऐसा बोल देंगे तो ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये शब्द का इस्तेमाल करने से पहले हजार बार सोच लीजिए। कोई स्त्री कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लेती है, सीईओ की पोस्ट पे चढ़ जाती है या सीएमडी बन जाती है, और पुरुष रह जाता है या डायरेक्टर बन के ऑर्डिनरी पोस्ट पे रह जाता है, वो गुस्से में उसको बोला उसने उसको ये किया, उसको वो किया, उसको ये किया, उसकी वजह से हुआ, बराबर है। अभी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता है मंडी हिमाचल प्रदेश में है, उधर से कंगना रनौत का उम्मीदवारी पत्र उसको टिकट मिले बीजेपी की ओर से, तो वो लोग के हैंडल से ऐसा किया गया। हाँ, मंडी में आजकल क्या भाव चल रहा है? तो कंगना जी ने तो उसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये कांग्रेस वाला है जिसके दिमाग में मंडी, यानी मंडी वही मंडी जो उसके दिमाग में, वो जो मंडी से आते हैं वही उसके दिमाग में बैठेगा, ये मंडी मंडी वो नहीं है, ये मांडव ऋषि के नाम से नाम कैसे प्रचलित मंडी है, और हमारे लोग ऐसे नहीं है, बहुत हताते हुए है। कंगना रनौत तो बहुत पढ़ी लिखी और बहादुर महिला है, सक्सेसफुल महिला है, वो तो उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना चाहिए बेटियों के लिए, बहन के लिए, हमारी माँ बहन बेटियों के लिए वो ऐसा बोलेंगे तो हमको कैसा लगेगा। तो बस मेरे पुरुष मित्रों, थोड़ा सोचिए आप भी, किधर कौन सी जगह में पति हो, कभी कौन सी जगह में पिता हो, कभी कौन सी जगह में पुत्र हो, चाचा काका मामा, कितने रिश्ते हैं हमारे, उस सब जगह में महिलाएं के साथ हमारे रिश्ते होते हैं, बराबर ने। तो उसके लिए गंदा शब्द यूज करने से पहले हजार दफा सोचिए, उसको इज्जत दीजिए, वो है तो संसार है, नहीं तो नहीं है। और जगत जननी स्त्री को कहा गया है, जगत पिता हमको नहीं कहा गया है, वो भगवान के लिए रखा हुआ है, लेकिन स्त्री के लिए जगत जननी शब्द है वो है। और मातृत्व का वरदान जो दुनिया का सबसे बेस्ट वरदान है मेरे हिसाब से, परमात्मा ने माता को दिया है, और माँ जो अपने बच्चों को जो प्यार करती है, प्योरेस्ट लव इन दिस वर्ल्ड, भगवान का जो सृष्टि के प्रति प्यार है उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद अगर कोई प्योरेस्ट लव है तो माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार है, वो अपनी माँ है, अपनी बेटी है, अपनी बहन है, पत्नी तो होती है, भाभी होती है, चाची मामी काकी बहुत रिश्ते होते हैं, लेकिन सबसे पवित्र रिश्ता है माँ और बेटी और बहन, उसकी इज्जत करिए, उस स्त्री के लिए यह शब्द मत यूज करिए, मजबूरी समझने की कोशिश करिए, हो सके तो उसको मदद करिए ना थोड़ी, हाँ उसको इसमें से बाहर आने की मदद करिए, चलो आप उसकी जिम्मेवारी ले लो, वो तो लेनी नहीं है। एनीवे, आप सबका खूब खूब धन्यवाद, एक बार फिर से मेरा प्रणाम, और मेरी नम्र विनती है पुरुष मित्रों से कि गुस्से मत होना, शायद मेरी कुछ बात आप लोग को समझ में नहीं आए, आप लोग एग्री ना हो तो ठीक है, वो तो एग्री डिसएग्री करना तो सबका अधिकार है, हम ये समाज में रहते हैं, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का आप लोग तो बेस्ट यूज भी कर सकते हैं और मिसयूज भी कर सकते हैं, कैसे करना कैसे, लेकिन आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, बात करिए इनके बारे में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।